गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी दौसा, राजस्थान। सो जो आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आप अपने मॉक पेपर्स में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ रहा होगा आई थिंक। एंड ऐसी जो मिस्टेक जो मैंने खुद ने की थी अपने मॉक पेपर्स में, बट बाद में मैंने उन्हें रेक्टिफाई कर लिया था, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो मिस्टेक नंबर 1, और ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, एंड बिलीव मी, अगर ये जो मिस्टेक है इसे आप सही कर लेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, इवन अप टू लाइक 50 मार्क्स यू कैन इंप्रूव। ओके, सो दिस इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। नाउ सबसे पहले बायोलॉजी में क्या बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इज़ दैट कि जो बायो है, हम जानते हैं कि बायो 360 मार्क्स लाइक इंक्लूड करता है अपने 720 के पेपर में। ओके, सो बात करूँ बायो की, तो बायो में जो मिस्टेक, आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर माई सेल्फ, और जो मिस्टेक्स मैंने की थी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग दैट टाइप ऑफ मिस्टेक। सो आई विल मेकिंग श्योर कि जो मिस्टेक्स मैंने की थी आप वो ना करें और आपके स्कोर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ पाए। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मिस्टेक है वो क्या होती थी कि जो बायो का पेपर होता है, लाइक हम जानते हैं वो 360 मार्क्स इंक्लूड करता है हमारे नीट के पेपर में, बट कई बच्चे क्या करते हैं कि बायो में वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार बायो का पेपर तो है ना, मुझे 25 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेना है, और फिर ताकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, राइट। सो पेपर में मिस्टेक नंबर 1 वुड बी कि पेपर में जल्दीबाजी करना, वो बेसिकली बायो के पेपर में। सो ये जब गलती मेरे से होती थी तो क्या होता था कि मुझे हमेशा ये लगा रहता था, और मैंने लोगों से सुना भी था कि यार बायो का पेपर तो 25 से 30 मिनट में ही, जो टॉपर्स बोलते हैं कि 25 से 30 मिनट में ही मैंने बायो का पूरा सॉल्व कर दिया था। तो आई यूज़ टू ऑल्सो थिंक लाइक दैट कि मुझे भी वैसा ही करना है, और मुझे भी अपना बायो का पेपर 25 से 30 मिनट में पूरा ख़त्म कर देना है। तो जब मैं ऐसा किया करती थी तो उसकी वजह से क्या होता था कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती थी, तो उसकी वजह से जो मेरे बायो का जो स्कोर लाइक जो कि 350 तक जा सकता था, वो समवेयर अराउंड 320 टू 330 पर अटक जाता था। तो देन आई यूज़ टू थिंक यार ऐसा क्या मिस्टेक है कि मैं बायो में, मुझे आते हुए मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बायो का लाइक अटैम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है आप बायो भी करें, अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप केमिस्ट्री को भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपकी, जैसे आपने केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट कर ली, तो फिर अगर आप बायो करेंगे तो आपको एक ये रहेगा कि यार मेरी एक चीज़ पहले से ही डन हो रखी है, तो मुझे दूसरी चीज़ पर जाना है। और अगर आप जैसे मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट बायो से स्टार्ट करते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट मेक श्योर कि जब भी आप बायो करें, बायो को ट्राई टू गिव कि आप बायो को लाइक अराउंड, आई एम नॉट सेइंग कि कंपलसरी ये 45 मिनट्स दे, बट मेकिंग श्योर कि बायो को अच्छा सफिशियंट टाइम दे, जिससे कि आपकी बायो में कोई भी गलती ना हो। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार हमारे से क्या होता है कि हमने बायो का क्वेश्चन पढ़ तो लिया, एक बार उसे पढ़ा, एंड देन जल्दी से जंप कर जाते हैं अपने जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन पर, बट ऐसा नहीं करना होता। देखो बायो के, जब भी अपन बायो का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें आंसर टिक करना नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे नहीं, तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी कि आप करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने यही नहीं पढ़ा कि आपसे कोई डायग्राम दिया था उसमें कोई और स्ट्रक्चर पूछा था, आपने टिक कुछ और कर दिया, या फिर आपने कई बार तो ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि लाइक मैंने एक पेपर, जब मैं बायो का पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मैंने पूरा पेपर ही मेरा लाइक फ्लिप कर दिया था दूसरी तरफ, लाइक एक पेपर गायब रह गया था बीच का, तो उसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन मिस हो गए थे। तो जल्दीबाजी करने के चक्कर में ये होता है कि आपका बायो का पेपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और आप क्वेश्चन को सही से पढ़ भी नहीं पाते। तो जस्ट मेक श्योर कि आप बायो को सफिशियंट टाइम दें, और अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के करें, तो इसकी वजह से आपका बायो में कभी भी गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे जो डायग्राम्स होते हैं बायो के उन्हें कभी भी मिस नहीं करना। बेसिकली अगर मैं बात करूँ चैप्टर जो 1 और 2 है क्लास 12 के, जो शुरू के चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारे वो डायग्राम, जैसे वो एप्पल एंड ऑल दीज लाइक वेजिटेबल स्ट्रक्चर के जो डायग्राम्स दिए, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक दैट वी ऑल आर डूइंग, सो द सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक वुड बी कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अपन तीनों को डिवाइड करके बात करते हैं, तो बेसिकली फिजिकल होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक। अगर फिजिकल में क्या मिस्टेक अपन बेसिकली करते हैं, या तो अपन को फॉर्मूला याद नहीं होता है, या अपन को अप्रोच नहीं आता है। अगर देखो अप्रोच नहीं आता है, सबसे पहले तो अपने पेपर में ये देखना चाहिए कि मेरे से कैसे तरह का क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन गलत हो रहा है जिसमें फॉर्मूला लग रहा है, राइट, ये तो अपन को समझ में आता ही है कि या तो इसमें फॉर्मूला लग के हो रहा था यार, बट मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते,
सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी आई नो थोड़े टफ चैप्टर है, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो ये चैप्टर आसान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप हमेशा अपने पास एक फॉर्मूला शीट होती है वो अच्छे से रेडी रखा करो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ओके। और उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत होती है, अप्रोच नहीं आता या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी भी ऑनलाइन टीचर से पढ़िए, उसके साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, राइट। जब आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सेकंड प्रॉब्लम थी फॉर्मूलाज की वो भी सॉल्व हो गई, और अगर थर्ड एक बोनस जो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं और जो आपका इम्प्रूव भी कर सकता है मार्क्स, तो मेक श्योर कि आप जो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी है उसे भी पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में से, या बीच में से कोई एनसीईआरटी की लाइन ही आ गई और उसमें असर्शन रीजन आ गया, तो उस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर उससे आपकी गलती भी नहीं होगी अगर कोई थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो एक तरह की मिस्टेक ये हो जाती थी। उसके बाद कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस लाइक नेमिंग रिएक्शंस है वो तो मुझसे कभी कभी गलत होती थी, बट आई नो कई स्टूडेंट्स को उनमें लाइक प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप उनकी भी एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए जिसमें सारी नेमिंग रिएक्शंस हो, और अगर आपको एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी लाइक आपने करी हुई है, आपके नोट्स में अवेलेबल है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि उसको भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी ना पड़े। देखो अपने जो भी अपनी आप पढ़ाई का जो मटेरियल है उसे शॉर्ट्स एंड कंसाइज रखने में ज़्यादा सही रहता है, राइट। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है वो परफेक्ट, वो तो आपको करनी ही है, देन उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने नेमिंग रिएक्शंस या मैकेनिज्म जो भी आप पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग से मिस्टेक कॉपी रखो, और अपनी जो शॉर्ट कॉपी आपने बनाई थी जिसमें सारा मटेरियल एक साथ है उसे पढ़ो, तो उससे वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपनी परफेक्ट हो जाएगी एंड देन यू विल स्कोर वेल, ओके। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी सब कुछ है, भले ही आपके मॉक पेपर में ऐसा होता है कि कई बार मार्क्स नहीं आते इनऑर्गेनिक में क्योंकि वो पेपर थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा था क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आपका नीट में भी अच्छा ही स्कोर आएगा भले ही मॉक पेपर में कैसा स्कोर आ रहा हो। बट अगर आपको एनसीईआरटी याद नहीं है तो जस्ट एक तो आप ये करो कि जब भी इनऑर्गेनिक या बायो पढ़ रहे हो ना तो उन्हें लिख लिख के याद करना सबसे बेस्ट रहेगा, वही सबसे बेस्ट वे रहता है ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। और मैंने खुद ने ये किया था, मैंने लगभग 10 से 15 रफ कॉपीज सिर्फ लिख लिख के भरी है, राइट। तो मुझे लगता था कि यार मुझे ऐसे याद नहीं होता बोल बोल के, मुझे लिख लिख के याद होता है, तो मैंने वही किया। और जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ी मेहनत करें लिखने में, आई नो इट्स हार्ड, बट उससे आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में मैंने अपने और भी वीडियोज़ में बताया है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि अप्रोच क्या है, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, राइट। अब कहीं हम क्या करते हैं, रट्टे मार लेते हैं फिजिक्स में, तो ये सबसे खतरनाक मिस्टेक होती है कि आप रट के जा रहे हैं एंड देन उसके बाद पेपर में रटा हुआ आपने अभी रट लिया, आपने कोई पी वाई क्यू रट लिया, बट वैसा सेम पी वाई क्यू आपको पेपर में नहीं दिखेगा, वो थोड़ा मॉडिफाइड होकर ही आता है, राइट। तो फिजिक्स में मेरे से भी पहले मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, लाइक आई स्टिल रिमेंबर आई यूज़ टू स्कोर लाइक 60 मार्क्स इन फिजिक्स, एंड देन उसके बाद मुझे लगता था कि यार ऐसे मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर मैंने देखा कि मैं कैसे मिस्टेक कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला मुझे अप्रोच ही नहीं आता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे शुरू लेके, आई लर्न वेक्टर्स कैसे होते हैं, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि आप जंप करने लग जाओ हाइयर कंसेप्ट पे, आपको ये नहीं पता बेसिक मैथमेटिक्स में कि वेक्टर्स को कैसे करते हैं और आप रोटेशन पे पहुंच जाओ, तो उससे आपको कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एग्जाम्स में पढ़ो, पी वाई क्यूज अच्छे से करो, कुछ भी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसे बिल्कुल भी मत छोड़ो, सब अच्छे से करके जाओ। तो उसके बाद बात करूँ पी वाई क्यूज़ की, तो मैंने उसके लिए बोल दिया वो भी अच्छे से समझ समझ के, रटना नहीं है पी वाई क्यूज़ को, अच्छे से समझ के करना है, राइट। और देन उसके बाद जो भी मिस्टेक हुई है, अगर वो क्वेश्चन आपको आता था पर जल्दीबाजी में गलत हुआ है, तो मेक श्योर कि क्योंकि टाइम की कमी थी तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको अप्रोच नहीं आता था तो अप्रोच सीखो कैसे होगा, गूगल पे डाल दो अगर क्वेश्चन, अगर क्योंकि उसमें उसका क्या होता है वीडियो सोल्यूशन आ जाता है, तो मैंने ऐसा कई बार किया है कि ताकि मुझे अप्रोच पता चल जाए कैसे करते हैं। और देन अगर वो कोई पी वाई क्यू जैसा था और देखो जाके क्वेश्चन को समझो अच्छे से कि क्या गलती की है, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, एंड देन जस्ट मेक श्योर कि अच्छे से डेली हर दिन कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करो, जो कि थोड़े या तो थोड़े एनसीईआरटी से कर लो, बैक से पी वाई क्यूज़ कर लो, तो वैसे मिला के 200 हो जाता है।
और जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, अगर टफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बस सीख लो कि क्या उनसे सीखा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नॉ ईजी और मीडियम क्वेश्चन पे ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। और ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक एक बार की है उसे दोबारा रिपीट नहीं करो हर बार। या तो अपनी अलग से मिस्टेक कॉपी बना लो, या अपनी जो जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने जो वॉल होती है उस पर आप स्टिक कर सकते हो कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही है, राइट। तो जो आपकी गलतियाँ आपको दिखेंगी तो आप उसे सुधार कर सकते हो। मैंने तो अपनी पूरी वॉल पर चिपका के रखा था, तो मेरी पूरी वॉल ही अपनी मिस्टेक से कलरफुल हो गई थी। बट बाद में उसका ये फ़ायदा हुआ कि पेपर में इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं की फिजिक्स में और स्कोर अच्छा रहा। ओके, सो बस यही था। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मिस्टेक्स की है दोबारा रिपीट ना हो, और कोई भी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, और जो मिस्टेक्स कर रहे हो उन्हें बस ध्यान रखना है कि उन्हें रेक्टिफाई करो, राइट। उन्हें दोबारा रिपीट करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई गेस इतना ही था। बस मेक श्योर कि आप डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जो एक बार मिस्टेक। सो जो लास्ट टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगी, दैट वुड बी कि जब भी आपका एग्ज़ाम से पहले, आई नो कि काफ़ी लोगों को थोड़ा पैनिक होता है, उन्हें लगता है कि यार पेपर में तो इतना अच्छी तैयारी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका पेपर हो सबसे पहले अगर फिजिक्स में, मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए बता देती हूँ कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर से पहले और क्या मैं करती थी। ओके, सो मैं एक तो मैंने ये कर रखा था कि मैंने ना फिजिक्स के लिए सभी जितने भी चैप्टर है सबकी फॉर्मूला शीट्स बना रखी थी, और प्लस मैं क्या करती थी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मतलब कि जैसे मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता था ना, तो वो कॉन्सेप्ट अपनी ही लैंग्वेज में लिख लिया। ऐसा नहीं कि उसे पूरा या तो पूरा उसका अप्रोच लिखा, ऐसा नहीं, जैसे अपनी लैंग्वेज में कोई कॉन्सेप्ट कि यार ऐसा आएगा तो मुझे ऐसे फॉर्मूला लगाना है और ये स्टेप्स रहेंगे, तो वैसे करके मेरे पास 10 से 15 पन्नों, मतलब 10 से 15 पेजेस की एक छोटी सी कॉपी थी। तो एग्ज़ाम से पहले जाने से, जैसे एग्ज़ाम से 2 से 3 घंटे पहले मैं उसको रिवाइज कर लेती थी, राइट। देन उसके बाद केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ के जाती थी घर से, एंड देन जाते जाते रास्ते में जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जिसमें बेसिकली फॉर्मूलाज थे, उनको रिवाइज कर लिया। एंड देन उसके बाद बायो के लिए तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेती थी। एनसीईआरटी अच्छे से जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा था, मेरा मेन फोकस वो रहता था, देख लेती थी कोई डायग्राम मिस नहीं हो रहा या कोई समरी मिस नहीं हो रही और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मेरे दिमाग में वो सब घूमता रहता था, राइट। तो बायो आपको अच्छे से है, अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से तैयार रखने हैं ताकि एग्जाम से पहले जाए तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं हो, और हो सके तो अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल रखे, हमेशा एक वॉच रखे, ताकि आपको टाइम का हमेशा आइडिया रहे अपने पेपर में। और ध्यान रखें कि एग्जाम से पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है, एकदम स्टेबल होकर अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। और आई थिंक अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किसी का पेपर जल्दी हो गया तो मुझे टेंशन हो रही है, मेरा पेपर नहीं हुआ अभी तक, ऐसा तो ऐसा नहीं, अपने जिस पेपर पर फोकस करना है जितना आपको आता है उतना अटैम्प्ट करना है। और जो अगर क्वेश्चन में ऐसा डाउट लग रहा है कि यार नहीं दो ऑप्शन में से क्या, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आई थिंक कि आपकी जो गट फीलिंग आपको फर्स्ट टाइम में लगता है जो क्वेश्चन सही है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। या सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, कीप कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।